हर विवाहित महिला को सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। क्या हो अगर उस महिला को कोई डॉक्टर 3 माह का गर्भ बताकर लगभग 1.5 माह तक महंगा इलाज लिखती रहे और सोनोग्राफी की जांच पर खुलासा हो कि महिला गर्भवती नहीं है। जिले की तहसील गंज बसोदा में महिला डॉक्टर द्वारा विवाहित को गुमराह करने एवं इलाज में लापरवाही बरतने का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें ग्राम करोंदा खुर्द निवासी दंपति ने शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में पदस्थ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लीना शर्मा पर गुमराह करने एवं इलाज में लापरवाही करने के आरोप लगाते हुए डॉक्टर के खिलाफ कलेक्टर एवं CMHO के नाम एक ज्ञापन SDM को सौंपा है। ज्ञापन में पीड़ित दंपति ने बताया कि विगत माह 6 अप्रैल को महिला मुस्कान राजपूत को उल्टी होने की शिकायत के चलते वह बरेठ रोड लालबाग स्थित डॉक्टर लीना शर्मा की निजी क्लिनिक पर इलाज के लिए आए थे। डॉक्टर लीना शर्मा ने चेकअप करने के बाद उन्हें बताया कि महिला को 3 माह का गर्भ है, जिस पर जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें इस हेतु दवाइयों का पर्चा बना दिया। दवा खरीद कर वह अपने गाँव वापस आ गए। इसके बाद विगत दिनों महिला को इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी तो वह पुनः डॉक्टर लीना शर्मा के निजी क्लिनिक पर चेकअप के लिए पहुंचे। यहां पर डॉक्टर ने सोनोग्राफी का लिख दिया। दंपति ने जिला मुख्यालय विदिशा पहुंचकर सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर दोनों के पांव तले से जमीन खिसकते देर ना लगी, क्योंकि सोनोग्राफी रिपोर्ट में महिला को गर्भवती होने के कोई लक्षण नहीं दिखे एवं महिला को पेट में गर्भ था ही नहीं। इस संदर्भ में पीड़ित महिला और उसके पति द्वारा महिला चिकित्सक डॉक्टर लीना शर्मा को अवगत कराया, तब महिला चिकित्सक द्वारा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए पीड़ित महिला से कहा कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। महिला चिकित्सक के शब्द सुनकर महिला और उसके पति के द्वारा डॉक्टर की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, जिस पर महिला चिकित्सक कुछ भी कहने से बचती नजर आई। पीड़ित पक्ष द्वारा महिला चिकित्सक के खिलाफ गुमराह करने एवं इलाज में लापरवाही के आरोप लगाते हुए कलेक्टर और CMHO के नाम एक शिकायती ज्ञापन SDM को सौंपा। चूंकि महिला चिकित्सक लीना शर्मा वर्तमान में स्थानीय शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय गंज बसोदा में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं, इसलिए इस मामले की शिकायत BMO डॉक्टर रविंद्र चिढ़ार से भी की गई। पूर्व में भी महिला चिकित्सक डॉक्टर लीना शर्मा पर लापरवाही की कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, लेकिन अभी तक उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। बच्चा है 1 महीने बाद दोबारा आना, टैबलेट दे रही थी पहले, फिर 1 महीने बाद आना, फिर दोबारा आए, हमें दिक्कत हुई, ब्लीडिंग आने लगी हमें, फिर उन्होंने बोला सोनोग्राफी करवाना, फिर सोनोग्राफी करवाई, उसमें कुछ नहीं निकला। कितने महीने इन्होंने आपका इलाज करा? 1.5 महीने की गर्भवती का इलाज करा इन्होंने। हाँ, और गोली दी, इंजेक्शन लगवाए। जबकि सोनोग्राफी में क्या आया? कुछ नहीं आया सोनोग्राफी में। आप क्या चाहती हैं? आप सजा मिले ऐसे कैसे, और कुछ कर सकती हैं? निरुद्ध राजपूत है ना, उनकी वाइफ है मुस्कान राजपूत, उनके द्वारा एक मुझे आवेदन दिया गया है कि एक प्राइवेट क्लिनिक पर डॉक्टर लीना शर्मा की जो क्लिनिक है वहाँ पे इनकी धर्मपत्नी मुस्कान राजपूत, उनको दिखाया गया था। लगभग 2 से 3 महीना पुराना प्रकरण है, तो उन्होंने बताया है कि उस समय उनको प्रेग्नेंट बताया था और अभी सोनोग्राफी में कोई पेट बच्चा होना नहीं बता रहा। इस प्रकरण की पूरी जांच की जाएगी, जो दस्तावेज उन्होंने फोटो कापीस लगाई है तो उनकी ओरिजिनल जांच भी की जाएगी और दोनों पक्षों के बयान लिए जाएंगे और जो भी दोषी होगा इसके खिलाफ जो भी प्रावधान बनेगा। पहले भी डॉक्टर जी, सर मेरी पत्नी को उल्टी हुई तो मैं उनको लेके आया लीना शर्मा के पास, तो उन्होंने बोला कि 3 महीने का गर्भ है, 3 महीने से ऊपर का, और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चालू किया और फिर बोला कि 1.5 महीने बाद फिर आना आप। तो हम पहुँचे दोबारा, ब्लडिंग थोड़ी होने लगी थी तो समस्या हुई, तो हम पहुँचे दोबारा तो उनके पास गए तो उन्होंने सोनोग्राफी लिखी, तो सोनोग्राफी करवाई तो बच्चा था ही नहीं उसमें। कितने समय तक आपकी पत्नी का ये गर्भ का इलाज करती रही? 1.5 महीने के लगभग। तो अभी आपने उनसे इस बारे में चर्चा करी मैडम से? मैडम से चर्चा की थी तो वो बोलने लगी, बस ऐसे ही भेजा दिया उन्होंने ऐसी बातें करके। उनके द्वारा ये कहा गया था कि आपकी पत्नी गर्भवती है? जी, उनके द्वारा किया कहा गया था बिल्कुल। अब क्या बोल रही हैं? अब क्या, कुछ नहीं बोल रही, हम कल गए थे तो बस ऐसे ही भेजा दिया उन्होंने, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें।
वगैरह वगैरह बोल के बस भेजा दिया। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनको सख्त से सख्त सजा मिले सर, ऐसा किसी के साथ ना हुआ आज मेरे साथ हुआ है। आप अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी सर, मेरी पत्नी को उल्टी हुई तो मैं उनको लेके आया लीना शर्मा के पास, तो उन्होंने बोला कि 3 महीने का गर्भ है, 3 महीने से ऊपर का, और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चालू किया और फिर बोला कि 1-1.5 महीने बाद फिर आना आप। तो हम पहुँचे दोबारा, ब्लडिंग थोड़ी होने लगी थी तो समस्या हुई, तो हम पहुँचे दोबारा तो उनके पास गए, तो उन्होंने सोनोग्राफी लिखी, तो सोनोग्राफी करवाई तो बच्चा था ही नहीं उसमें। कितने समय तक आपकी पत्नी का ये गर्भ का इलाज करती रहीं? 1.5-1 महीने के लगभग। तो अभी आपने उनसे इस बारे में चर्चा करी मैडम से? मैडम से चर्चा की थी तो वो बोलने लगी बस ऐसे ही भेजा दिया उन्होंने, ऐसी बातें कर। उनके द्वारा ये कहा गया था कि आपकी पत्नी गर्भवती है? जी उनके द्वारा किया कहा गया था बिल्कुल। अब क्या बोल रही हैं? अब क्या कुछ नहीं बोल रही, हम कल गए थे तो बस ऐसे ही भेजा दिया उन्होंने, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, वगैरह वगैरह बोल के बस भेजा दिया। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनको सख्त से सख्त सजा मिले सर, ऐसा किसी के साथ ना हुआ आज मेरे साथ हुआ है। आप अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल। कैनन न्यूज के लिए विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।